आपको ये बताएं कि यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्शानियो की पोती घर के स्विमिंग पूल में डूबकर जान बहक हो गई है। जी हां, हैदराबाद का ये वाकया अफसोसनाक वाकया पेश आया है। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्शानियो की पोती घर के स्विमिंग पूल में डूबकर जान बहक हो गई है। जी हाँ, घर में स्विमिंग पूल कायम था जिसमें मौला बख्शानियो की पोती है जो कि डूबकर जान बहक हो गई है। अफसोसनाक ये वाकया हैदराबाद में पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्शानियो की पोती घर के स्विमिंग पूल में डूबकर जान बहक हो गई है। तफसील आमिर जैदी से जानते हैं। आमिर, आगा कीजिएगा। बाद में रिहायशी पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्शानियो की 2 साल पोती जैनब फातिमा घर के स्विमिंग पूल में डूब गई है, जिसको जो है बच्ची को फौरी तौर पर जो है मकामी अस्पताल कासिमाबाद ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जो है बच्ची की मौत की तस्दीक कर दी। बच्ची की मौत की खबर सुनने के बाद जो है खानदान के और पहले इलाका जो उनकी बड़ी सभा जो है मौला बख्शानियो के पहुंच चुकी है। मेहरान चांदी जो मौला बख्शानियो के बेटे हैं, इनकी बेटी थी जैनब फातिमा जो घर में खेल रही थी और घर में बने हुए स्विमिंग पूल में जो है डूब गई, जिसको जो है मकानी अस्पताल फौरी तौर पर ले जाया गया। डॉक्टरों ने बच्ची की मौत की तस्दीक कर दी। मौला बख्शानियो को ये भी कहना था कि घर में बने स्विमिंग पूल जो है बच्ची कमरे से किस तरीके से बाहर निकली है, सब स्विमिंग पूल तक पहुंची, ये तो नहीं मालूम, लेकिन बच्ची सेल से भी जो है स्विमिंग पूल में डूबी है, जिसके बाइक जो है इसकी जो है बच्ची जाबक हो गई है। जी आमिर सैदी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।